आप देख रहे हैं दखल न्यूज। होशंगाबाद में यूरिया की कमी के चलते गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। खाद की कमी से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मार्कफेड के गोदाम पर पुलिस की सुरक्षा में खाद का वितरण हो रहा है। खाद और यूरिया के संकट से लाखों हेक्टेयर में गेहूं की फसल खराब होने की कगार पर आ गई है। खाद व यूरिया की कमी के कारण किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। मार्कफेड की गोदाम से खाद वितरण के दौरान हंगामे के हालात बने हुए हैं। कलेक्टर ने एसपी को चिट्ठी भेजकर गोदाम पर पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण करने की मांग की है। दूसरी चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई है। इसमें तत्काल खाद की आपूर्ति की मांग की गई और बताया कि किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खाद लेने आज बहुत बड़ी समस्या दिख तो रही जादे को। अब इतनी भीड़ में हिम्मत नहीं पड़ा है। तीन चार दिन हो गए। तीन एक दिन क्या बोलते हैं अधिकारी यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं? माल आन देते हैं जो पहले के नंबर लगे इनको दे रहा है। कल के आज वालों के लगे जब कल दें ऐसे क्या भे? पहले पांच पांच बोरी दे रहे थे अब तीन तीन बोरी हेक्टर पे दे रहा है। चल रोज लाइन लग रहा है। हम लाइन लगने के बाद भी नहीं मिल पाता किसानों को। शाम के घर चले जाते हैं। अच्छा ये अगर ज्यादा आ जाएगा खाद तो किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। मेरा नोहर गांव का किसान हूं मैं। खाद मिल तो रहा है पर सुचारू रूप से नहीं मिल रहा। थोड़ा सा किसान लगातार सुबह से आता है शाम तक भूखा रहता है और गति कम है। होशंगाबाद जिले में 2,80,000 हेक्टेयर में गेहूं और 65,000 हेक्टेयर में चने की फसल खड़ी है। पहले पानी के बाद फसल को खाद यूरिया की जरूरत है। किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं। इटारसी, पिपरिया, सिवनी, मालवा, होशंगाबाद सहित सभी गोदाम खाली पड़े हैं। प्रशासन के पास सिर्फ 3,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद है। इसीलिए प्रति किसान को 5 बोरी खाद देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन 2,00,000 किसानों को खाद यूरिया उपलब्ध कराना प्रशासन के बस में नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।